वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट बाय दीपक सर। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इस वीडियो को आप लोग देखें और बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें। आइडियल स्टडी पॉइंट की ओर से NCERT मैथ सॉल्यूशन क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 1.1 सीखने से पहले हम लोग कुछ सूत्र को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एक एक सवाल को अच्छे तरीका से बनाने के लिए सीखेंगे। जैसे कि प्रश्नावली 1.1 में बनाने से पहले सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है a = bq + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r का मान b से छोटा होता है, ये शर्त है। और जहां a को हम भाज्य बोलते हैं और b बराबर को भाजक कहते हैं और q को भागफल कहते हैं एवं r को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। चलिए हम इसके बाद एक्सरसाइज को बनाना सीखते हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1, पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र से। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे क्या कि बड़े वाले संख्या को a मानेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा 135 और 225 में सबसे बड़ा क्या है, 225, तो इसको हम a मान लिए, तथा छोटा वाला संख्या क्या है, 135, इसको हम b मानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या सूत्र है, a = bq + r। इस पर हम लोग जैसे कि हमने a का मान क्या माने थे, a का मान हम माने थे कि 225 और b क्या माने थे, 135, तो a के स्थान पे हम 225 रखेंगे, यानी कि a = 225 और b के स्थान पे 135। और q का मान कितना लिखें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 135 से 225 में भाग देना पड़ेगा। 135 से भाग 225 में, देखिए तो 135 से कम 135 और घटाने पर कितना प्राप्त हुआ, 90। तो पहले इतना सजाते हैं हम, तो हमारा भागफल जो आएगा यहाँ पर लिखाएगा ना, यानी कि क्यू का मान क्या हो गया, 1 और शेष क्या बचा हमारा, 90। फिर उसके बाद दूसरी स्टेप में करना क्या है, फिर हमारा भाज क्या हो जाएगा, 135। तो देखिए ये क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है, यानी 135 पहले, उसके बाद इक्वल ये 90 जो है ना शेष, ये उसके बाद आ जाता है। उसके बाद अब फिर भागफल क्या होगा, तो 90, देखिए 90 एकम 90, यानी कि भागफल क्या आया है हमारा, 1 आया है, शेष कितना बचा है, 45, तो 45 लिख दीजिए। फिर उसके बाद हमारा ये 90 क्या हो जाएगा, फिर हमारा ये 90 जो है ना, ये हमारा पहले आ जाएगा, और 45 उसके बाद, और इसके बाद 45, यानी यहाँ पे Q का वैल्यू क्या आएगा, तो 45, देखिए 45 दूना 90 होता है, यानी कि 2, भागफल क्या है, 2, यहाँ पे 2 रख देंगे, तो हमारा शेष क्या, सब कट गया, तो क्या हो गया, 0। तो जहाँ पे जब शून्य हो जाता है ना, तो वहाँ पे हम लोग जो जिससे कटा रहता है वही हमारा आंसर हो जाता है, यानी 45 से कटा है तो हमारा आंसर एच सी एफ 135 और 225 का एच सी एफ कितना हो गया, 45। इसी तरीका से दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे इसमें बड़ा हमारा संख्या क्या है, 38,220, इसको हम ए मान लेंगे, और छोटा संख्या क्या है, 196, इसको हम बी मान लेंगे, तथा और फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय सूत्र लगा लेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करके और इसको हम लोग सोल्व करेंगे।
तो इसका सूत्र लगाए, क्या होता है सूत्र, ए बराबर बी की प्लस आर। तो ए बराबर बी की प्लस आर, तो ए का मान क्या माने थे 38,220, और क्यू बी का मान क्या माने थे 196। और अब ये क्यू का वैल्यू क्या हो, तो इसके लिए हम क्या किए थे जी, भाग दिए थे। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पे भाग देते हैं, 196 से 38,220 में भाग दिए, तो एक बार में गया 196, घटाने पर हमारा कितना आ गया 186, फिर दो बच गया ना। फिर उसके बाद में हम 9 से, इसमें 9 बार 196 का पहाड़ा पड़ेंगे या 9 बार गुना करेंगे ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 1764। फिर उसके बाद घटाएंगे ना, तो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 5 बचा ना, तब हासिल लेंगे तो 15, 15 में से 6 गया 9, ये तो 7-7 कट गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शून्य बचा है तो शून्य हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो उसके बाद में 5 बार कीजिएगा ना, तो 5 बार में करने पर 980 हो जाएगी, यानी कट गया, यानी हमारा भागफल क्या आया 195। तो चलिए यहाँ पे हमने क्यू का वैल्यू क्या लिख दिया, 195, और शेष क्या बचा, कट गया तो 0, तो यहीं पे हमारा 0 आ गया। तो यहीं जो जिससे कटा है, यानी किससे कटा है, 196 से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा HCF, यानी इसलिए 196 और 38,220 का HCF कितना हुआ 196। इसी तरह से तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल हमारा है 867 और 255। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा संख्या क्या है 867, तो इसको हम ए मान लेंगे, और दूसरी संख्या हमारा है 255, इसको हम बी मान लेंगे। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय सूत्र लगा लेंगे, तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान क्या माने हैं 867 इक्वल, यहाँ बी का मान क्या माने 255, और क्यू का वैल्यू क्या हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं भाग दिया हूँ 255 से 867 में, तो 3 बार में, यानी 5 5 5 3 15 के 5, 5 3 15 116 के 6, और 2 3 6 1 7। फिर घटाएंगे तो 5 7 में से 5 गया 2, और 6 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1। फिर अब क्या करेंगे, ये हमारा शेष बच गया ना, इससे फिर हम पहले इतना को सजा लेते हैं, यानी भागफल क्या आया 3। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 लिखा हूँ ना, भागफल के स्थान पे यहाँ पे 3 लिख दिया, और शेष क्या बचा था हमारा 102, तो शेष हमारा यहाँ प्लस 102। अब ये 255 यहाँ इसके स्थान पर आ जाएगा, यानी देखिए 255 यहाँ आ गया, और 102 कहाँ आ गया जी, यहाँ से जो शेष बचा था ना, ये हमारा आ जाएगा किसके स्थान पे, यानी भाजक के स्थान पे। और क्यू का वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने भाग कर दिया 102 से, फिर 255 में, तो कितना बार में, दो बार में 204 हो गया, घटाएंगे तो 51 बचेगा। फिर तो फिर इसको भी सजा लेते हैं, तो शेष हमारा क्या बचा है 51, और भागफल कितना आया 2। फिर 102 यहाँ आ जाएगा, फिर 51 यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद में हम कितना 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, तो 51 कितना बार में हुआ, दो बार में, कितना हो जा रहा है 102, यानी 102 अब टोटल क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो हमारा भागफल क्या आया 2, और शेष क्या बचा 0। तो हमारा यहीं से HCF प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ संख्या होगा ना वही HCF हो जाता है, जब 0 यहाँ पे प्राप्त होता है। अतः हमारा 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा 51। दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो मान लिया कि यहाँ पे देखिए दिया है ना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मान लिया कि ये एक क्या है हमारा, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या सूत्र है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शर्त क्या होता है 0 से 12 या बराबर, आर का मान जो होगा बी से छोटा होगा। चलिए हम लोग तो इस सूत्र पर हम लोग भरते हैं, क्या दिया है 6q+1 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि r का जो वैल्यू होगा यहाँ पे देखिए 6q का रूप है ना, तो ये बराबर 6q हो जाएगा, और r को ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ b के स्थान पर क्या दिया है 6, तो यहाँ पे b के स्थान पर क्या बनेंगे 6। तो देखिए कैसे हम भरते हैं,